हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, पाकिस्तान से भारत आने को मजबूर हुए ये हिंदू परिवार, खोला कई राज। तो देखते हैं राज कौन से खोले हैं। और पहले भी हमने एक बहुत पहले वीडियो की थी, कुछ एक दो वीक तो हो ही गए हैं, जहाँ पे उन्होंने भी बताया था कि किस तरह के हालात थे हिंदुओं के लिए, जिसकी वजह से उनको वहाँ से आना पड़ा। उन्होंने क्लियरली बोला था, कोई भी जो है अपना सब घर वर छोड़ के ऐसे ही नहीं आता, बहुत मजबूरी हो जब हो तब वो वहाँ से जान की मतलब पड़ी हो तभी वो छोड़ के आता है। और किस तरह से वो स्कूल तक अपनी बेटियों को नहीं भेज पा रहे थे वहाँ पे, उन्होंने जो हमने वीडियो पहले किया था वहाँ पे पूरी सेटलमेंट थी। हाँ, जो सभी लोग हिंदूज जो पाकिस्तान से आए हैं और उनको मेरे ख्याल से 7 साल हो गए थे, अभी सिटीजनशिप नहीं मिली थी, वेट कर रहे थे वो, मगर वो फिर भी खुश थे कि यहाँ पे सब कुछ है। फिर उन्होंने कुछ बच्चों से बात की थी, वो कहते हम तो स्कूल जाती हैं, हम तो डॉक्टर बनेंगी, तो बहुत चेंजेस नजर आ रहे थे। इट वाज वेरी नाइस। बिल्कुल, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से आए हो? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से आए हो? वहाँ पे तंग करते थे मुसलमान, बोलते थे बोले कुरान पढ़ो। अच्छा, कुरान पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, और क्या बोला जा रहा है? बस कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ, खुद मुसलमान बनो, तब जाके तुम्हारी के तरीके देंगे। बेटियों की इज्जत नहीं थी, काम करते थे, कर्ज हो जाता था तो उठा के ले जाते, नजर मारते ऐसे छेड़ते हैं। छेड़ते भी है पाकिस्तानी लोग। तुम्हारा बेटी दे दो, बेटी दे दो। हाँ, पाकिस्तान वाले बोल रहे थे ये इसके लिए। हाँ, हमने ये सब पाकिस्तान छोड़कर हाँ, और हम भारत में आए। अभी हम देश की राजधानी दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से 50 कदम दूर पर है और ये पाकिस्तानी कैंप है। पाकिस्तानी कैंप हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर आप जितने भी जो लोग को देख रहे हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, ये लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकान वगैरह चला के किसी भी तरह ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और ये सभी लोग आज से 10 से 15 दिन पहले पाकिस्तान से आए हैं। चाची, कितने दिन पहले आई है आप? 10-15 दिन पहले आई है। हाँ। तो पाकिस्तान में क्या क्या परेशानी हो रहा था? बस महंगाई हो गई थी, गरीबों को कुछ देना नहीं चाहते थे, हिंदू धर्म को रखना नहीं चाहते थे। अच्छा, हिंदू धर्म को देखना नहीं चाह रहे थे? हाँ, क्या बोल रहे थे? बस हिंदू है, इनके हाथ का पानी नहीं पियो, इनके हाथ का कुछ खाओ नहीं। हाँ। इनको अपने मुल्क में भेजो बस। हाँ। ये सब बोल रहे थे कि इन सभी को हिंदुस्तान भेजो। हाँ, बच्चों को ना। कितने साल से आप लोग पाकिस्तान में रह रही थी? उधर तो सब मेरे माँ बाप उधर ही गए, खाली मैं मेरे मिये के साथ इधर आई हूँ बस। बोला अपने बच्चे की जिंदगी हिंदुस्तान में गुजारेंगे, पाकिस्तान में नहीं गुजारेंगे। पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। हाँ। ना अच्छी परवरिश दे रहे, ना स्कूल पढ़वा रहे, ना कुछ पढ़वा रहे। पढ़वा रहे तो बोल रहे कुरान पढ़ो। अच्छा, कुरान पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, और क्या बोला जा रहा है? बस कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ, खुद मुसलमान बनो, तब जाके तुम्हारी के तरीके देंगे। हम लोग ने बोला हम हमारा हिंदू धर्म नहीं निभाएंगे। अच्छा, अब आप लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गई है, तो यहाँ पर कैसा लग रहा है? यहाँ पे जो अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे माँ बाप के घर आ गए। जैसे लग रहा है कि माँ बाप के घर आ गए हैं, वैसा लग रहा है हिंदुस्तान में आने के बाद, है ना? ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ तो आप लोग आ गए हैं, सरकार की तरफ से कितना ज्यादा आप लोग को मदद मिल रहा है? बस अल्लाह सरकार ने दिया है हमको, ऐसा सब कुछ दिया है सरकार, स्कूली पढ़ा रही है, बच्चों को तरीके भी दे रही है, किताबें भी दे रही है, कुछ राशन भी सरकार ने हमको दिया है, जैसे समझ ले माँ बाप के हिसाब जैसा है। सरकार मदद कर रही है ना? मदद कर रही है हमारी। फिलहाल इन लोगों के साथ पाकिस्तान में बहुत सारी समस्याएं आई, वहाँ कहा जा रहा था कि कुरान पढ़िए और बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा था, और इसके बाद ये लोग अपने मुल्क यानी कि हिंदुस्तान में आ गई है। क्या नाम हुआ आपका? पूजा। आप कब आई है पाकिस्तान से? 5 साल पहले। 5 साल पहले पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आई है। वहाँ क्या क्या परेशानी हो रहा था आप लोग के साथ में? मेरे से नहीं होता है। मतलब वहाँ रहने में और यहाँ रहने में क्या अंतर दिख रहा है आपको? यहाँ पे अच्छा है, अपना मुल्क दिख रहा है। अपना मुल्क दिख रहा है, बताइए। चुन्नी ओढ़ के बाहर निकलते थे, ऐसे निकलते थे बाहर। हाँ, अच्छा। बुर्का पहन के ऐसे निकलते, बुर्का पहन के निकलना होता था घर से बाहर। हाँ। अगर नहीं निकलते तो देखते हैं, नजर मारते हैं, ऐसे छेड़ते हैं। छेड़ते भी है पाकिस्तानी लोग। हाँ। और क्या क्या बोलते हैं?
फिलहाल देख सकते हैं कि ये लोग पाकिस्तान से आई हुई है। अच्छा ये बताइए कि हिंदुस्तान में आने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं? दिल्ली सरकार से मिल रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं और ये छोटे छोटे बच्चे हैं भी है। क्या नाम है बाबू? संजय। कहाँ से आए हो? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से आए हो, तो पाकिस्तान में रहने में क्या क्या परेशानी हो रहा था बाबू? वहाँ पे तंग करते थे मुसलमान बोलते थे। अच्छा मुसलमान लोग तंग कर रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कलमा पढ़ो, स्कूल पे ये करो, ये बनाओ। अच्छा ये बताओ कि बाबू अब वहाँ अच्छा लग रहा था कि यहाँ आने के बाद लग रहा है? यहाँ पे अच्छा लग, यहाँ हिंदुस्तान में अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा तो ये बताओ कि वहाँ पर स्कूल वगैरह जा रहे थे कि नहीं? वहाँ पे जाते थे लेकिन कलमा पढ़ाते थे। अच्छा जमींदार का जमीन भी होता है, पैसा भी होता है, गरीब के पास नहीं होता है। जब कर्ज हो जाता है तो बोलते हैं पैसे दे दो, नहीं तो हमारा ये जुल्म का बदला दे दो हमारे। हाँ, क्या हाँ, बोल रहे थे बदला में? बोलते हैं तुम्हारा बेटी दे दो, बेटी दे दो। हाँ, पाकिस्तान हाँ, वाले बोल रहे थे ये इसके लिए हाँ, हमने ये सब पाकिस्तान छोड़कर हाँ, और हम भारत में आए। ठीक हाँ, है यानी कि अगर आप पाकिस्तान में किसी से कर्ज ले रहे थे तो बदले में बोल रहे थे कि बेटी दे दो। इसे इज्जत के लिए हमने पाकिस्तान छोड़ा है, इज्जत के लिए पाकिस्तान छोड़ दिए हैं, पाकिस्तान छोड़ दिया है। हाँ। दूसरे होली बनाते हैं, हाँ। रंग लग जाता है तो उसको ये खराब करते हैं, वो दूसरी होली नहीं बालने देते हैं, दिवाली नहीं करने देते हैं। हाँ। हाँ। होली दिवाली नहीं करने देते, नहीं करने देते हैं। हाँ। हाँ। क्या बोलते हैं? बोलते हैं तुम हिंदू हो, आप करना है तो छिपके करो, छिपके करना। हाँ तो आदमी मर जाता है उसकी भी जगह हमारे को भारत ये पाकिस्तान में नहीं दिया, जलाने के लिए भी नहीं दिया हमारे को। ये इज्जत के लिए हम सारा परिवार छोड़कर अभी इधर आ गए हैं। अभी परिवार बोल रहा है हमारा को पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, आटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम परमिट करके कैसे आएंगे, हम के हरिद्वार के तीर्थ कैसे करेंगे, वो ऐसे कर रहे हैं। अब सोचिए कि ये लोग जो है पाकिस्तान में रह रहे थे, हालांकि इन लोगों के साथ इतना ज्यादा बदतमीजी व्यवहार किया जा रहा था कि अगर ये लोग कर्ज ले रहे थे तो बदले में कहा जा रहा था कि बेटी दे दो। पाकिस्तान से आप लोग आए हैं? हाँ जी। अच्छा तो वहाँ क्या क्या परेशानी हो रहा था कि हिंदुस्तान आए? बहुत ज्यादा हिंदुओं के लिए दिक्कत है भैया। हाँ, क्या क्या दिक्कत है? अपने घर बार सब छोड़ के आ गए हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है, बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते हैं। हाँ। अच्छा तो सारे परिवार के लोग आए हैं कि आप अकेले आई है यहाँ पे? नहीं, परिवार सब आए हैं। सब आ गए। अच्छा यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है हिंदुस्तान में? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा वहाँ पर क्या क्या परेशानी हो रहा था? आप लोग महिला है, क्या क्या परेशानी हो रहा था वहाँ पे? ज्यादा परेशानी है, पढ़ नहीं सकते हैं, मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते हैं। हाँ। कहीं जा नहीं सकते हैं। हाँ। अपनी खुशी नहीं कर सकते हैं। हाँ। यही दिक्कत है बहुत ज्यादा। अच्छा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि वहाँ से आने के बाद इन लोगों का कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब है और किसी भी तरह दुकान वगैरह खोलकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नानकी कौर। अच्छा आप कहाँ से आई है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है? कितने दिन पहले आई है? 10-12 दिन। 10-12 दिन पहले आई है। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान में अच्छा लग रहा था कि हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में अच्छा है। अच्छा वहाँ क्या क्या परेशानी हो रहा था आप लोग के साथ? बहुत दिक्कत थी हम लोगों को। हाँ, खाने में पीने में घूमने में बहुत दिक्कत थी। खाने पीने घूमने में काफी दिक्कत हो रही थी। और क्या क्या परेशानी हो रहा था? बहुत परेशानी थी। पाकिस्तान में कहाँ रह रही थी आप? कराची में। अच्छा कराची में रह रही थी। आपके पिताजी और माँ वहाँ क्या कर रहे थे? पिताजी कबाड़ी का काम करते थे, माँ सुर्खी पाउडर बेचते थे। अच्छा यानी कि कबाड़ी उबाड़ी का काम चल के घर वहाँ चला रहे। कितने साल से आप लोग वहाँ रह रहे थे? बहुत 10-12 साल। 10-12 साल से। अच्छा ऐसा क्या अचानक से परेशानी हुआ कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आप लोग आ गए? बस हमको पसंद नहीं था पाकिस्तान। पाकिस्तान पसंद नहीं है, इसलिए हम हिंदुस्तान आ गए। अच्छा और वहाँ पढ़ाई लिखाई कर रही थी कि नहीं पाकिस्तान में? नहीं करते थे पढ़ाई लिखाई। नहीं कर रही थी तो वहाँ नहीं पढ़ाई उठाई जा रहा? नहीं, हम पढ़ते नहीं थे। अच्छा तो
वहाँ पर और क्या परेशानी हो रहा था आप लोग के साथ? बहुत दिक्कत थी यार, सामान में, चीज में बहुत दिक्कत थी हम लोग। अच्छा, बदतमीजी वगैरह का क्या बोल रहे थे? ऐसी गलत बातें बोलते थे, हम कहीं नहीं जाते इसलिए घर में रहते थे। अच्छा, गलत बातें पाकिस्तान के लोग बोल रहे थे इसीलिए घर में रहती थी, अब बाहर नहीं जा रही थी? नहीं, हम नहीं जाते थे। अच्छा, अब हिंदुस्तान में आ गई है, अब पढ़ने लिखने जाती है कि नहीं? नहीं, अब तक नहीं गया, अभी तो आए। अच्छा, अभी आई है। कितना एज होगा आपका? फिलहाल देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान से आई हुई है, हालांकि हिंदुस्तान आने के बाद ये लोग काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद अच्छे से कम से कम ये लोग यहाँ आने के बाद सुरक्षित है। यहाँ आने के बाद सुरक्षित है कि नहीं? वहाँ छेड़खानी वगैरह हो रहा था? इधर सही है, उधर सही है ना? अच्छा, फिलहाल आप देख सकते हैं कि आजादी के बाद ये लोग पाकिस्तान से कहीं ना कहीं हिंदुस्तान आए हैं, और यहाँ आने के बाद ये लोग काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि यहाँ पूरी तरीके से ये लोग स्वतंत्र है, अच्छे तरीके से घूम सकते हैं, खा सकते हैं, कमा भी सकते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को इन लोगों को मदद करना चाहिए, क्योंकि ये लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है, खाने वाने में भी प्रॉब्लम होता है। अभी इधर हम खुद कमा के खा रहे हैं, खुद कमा के खा रहे हैं। दिल्ली सरकार कितनी मदद कर रही है आप लोगों को? हमारे को तो कोई भी मदद नहीं करी है इतने तक, कोई जमीन नहीं दिया है, कोई दो तीन ये राशन लाके नहीं दिया हमारे को। दूसरे जो संशय वाले हैं वो आटा ले आके दे देते हैं, दूसरे जो लोग हैं वो देते हैं, वो देते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता। सरकार की तरफ से हमारे को कुछ भी नहीं मिला। फिलहाल देख सकते हैं कि अभी हम दिल्ली में आए हुए थे सिग्नेचर ब्रिज के पास में, तो मुझे सामने में दिख गया कि झुग्गी झोपड़ी में आखिरकार ये कौन से लोग रहते हैं, लेकिन आने के बाद पता चला कि ये लोग है तो हिंदू ही, लेकिन पाकिस्तान में रह रहे थे, और पाकिस्तान से आने के बाद अब हिंदुस्तान में रह रहे हैं। फिलहाल हम दिल्ली सरकार से अपील करना चाहेंगे कि कम से कम इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें, आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो असलियत, याद है एक वीडियो किया था वो किसी चैनल में जो पैसे मांग रहा था कि मैं हिंदुओं के लिए करूंगा, उसका बताना क्या हुआ, कितना पैसा उसने इकट्ठा किया और उसके बाद क्या हिंदुओं के लिए किया। और मैं तो बोल रही हूँ कि भैया वहां देने की जगह इनको दो जो एक्चुअली में वहां से आए हैं और देखो किस कंडीशन में रह रहे हो, फिर भी खुश हैं। एक ये डिफरेंस देखो कि वो फिर भी नहीं मांग रहे, किसी ने इनको बोला कि हमें पैसे दो, वो कह रहे हैं हम खुश हैं। ये है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। और वहां पे जो लोग बैठे हैं पाकिस्तान में वो कह रहे हैं इंडिया तुम हमें पैसे भेजो, हमें पैसे भेजो हिंदुओं के नाम पे। ये डिफरेंस है कि हिंदू किस टाइप से सेल्फ रिस्पेक्ट से छोड़ के सब कुछ यहां आए, इस कंडीशन में रह के भी वो पैसे नहीं मांग रहे, और वहां पे पाकिस्तानी बैठे हुए हिंदुओं के नाम पे पैसे ले रहे हैं, उसके बाद उसका क्या कर रहे हैं। आई एम श्योर उसका कोई उन्होंने नहीं बताया होगा कि हमारा कितना पैसा इकट्ठा हुआ, हमने कहां कहां कितना खर्च किया, कोई उसका प्रूफ के साथ कुछ नहीं बताया होगा। पैसे लिए, कुछ छोटा मोटा कुछ कर दिया होगा और उसके बाद काम खत्म। पर anyway, देखिए मतलब अभी क्योंकि ये अभी आए हैं और ये पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं और ये असाइलम लेने आए हैं कि हमें शरण चाहिए आपके देश में, क्योंकि हमारे पे एट्रोसिटीज हो रही हैं, बता दिया। तो धीरे धीरे प्रोसेस चलेगा और गवर्नमेंट को भी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कोई पाकिस्तान से स्पाई आ रहा है, क्या हो रहा है। देखिए सब सिक्योरिटी वाली बात भी है, पाकिस्तान से कोई आ रहा है आपको क्या पता कि वो पुश कर रहे हैं वहाँ से, इन सब भले लोगों में से कोई पुश कर दिया स्पाई वगैरह कि यहाँ पे घुल मिल करके इन्फॉर्मेशन दे, तो इसलिए गवर्नमेंट का कोई प्रोसेस होगा, कोई उन्हें सोच रखा होगा कि हम लॉन्ग टर्म देखेंगे, लॉन्ग टर्म में पता चल जाएगा, जिसको जो बंदा धीरे धीरे जिसको सपोर्ट मिल रहा है वो अलग होता जाएगा। तो कोई सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया होगा कि हम आइडेंटिफाई कर लेंगे जो लोग घपले वाले हैं और जो उसे नहीं है उनको दे देंगे। यहाँ पे उनको फ्री विल है, आप जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहा, कोई ऐसा नहीं है कि जाके उनसे पूछ रहे हो तुम किस कंट्री के हो, कोई नहीं है, राइट। तो जैसे वो कह रहे हैं काम कर पा रहे हैं, काम करते रहिए। जैसे जैसे एजुकेशन, आपको हमने उसमें भी देखा था पिछले वीडियो में कि स्कूल्स में आप जा सकते हैं, पढ़ाई अर्न कर सकते हैं, एजुकेशन इन्होंने भी कहा कि हमारे बच्चे फ्री जा रहे हैं। वो कह भी रहे थे एक भाई साहब की अपनी बेटी के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ, सब अपने बच्चों के लिए सवाल है,
पिछली लेडी ने भी कहा था बच्चों के लिए हम यहाँ पे आए, सब ने जो पिछली वीडियोस भी थी जो आज छोड़ के उन्होंने कहा बच्चों के लिए आए हैं कि हम तो जिंदगी जैसे जीली पर अपने बच्चों को वैसी जिंदगी नहीं देखो। और वो नहीं बोले थे कि क्योंकि हम पैसे या कुछ होता है तो कहते अपनी बेटियां दे दो इस टाइप से। कितना तो नेट ये है कि ये वो पेरेंट्स हैं जिनको था बहुत हो गया, अपने बच्चे को मैं अपनी सिचुएशन उनकी तो खत्म होगी लाइफ, राइट? तो वो लोग कहने देखो हमारी तो लाइफ सत्यानाश होगी, अपने बच्चे की सत्यानाश नहीं करने देंगे, इसलिए इंडिया जा रहे हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ गए और उनके कई परिवार वाले अभी वहां बैठे हुए और वो भी आना चाहते हैं पर वहां इतनी बुरी हालत होगी कि उनके पास पैसे ही नहीं आने के लिए। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे चलते चलते जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। थ्रू पता चले तो अब जब वहां पे जो रहते होंगे ना, जब इनको पता चलेगा यहाँ पे देखो इतनी अच्छी जिंदगी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी बेटियां जो है वो सुरक्षित है, जब उनको पता चले तो अब उनको भी हो रहा है हम भी यहाँ आए। ये देखो राइट, देखिए वो ये 1947 में जब डिसीजन मेकिंग थी, जेल लोगों ने वहां पे डिसाइड किया रहने का, तो उनकी अब ये हालत हो गया। हमें तो अपने अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स है ना उनका थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने ठीक टाइम पे इतना कष्ट इतनी हिम्मत दिखाई, कोई अपने पूरी जायदाद फेंक फूंक के यहाँ पे आ गए, क्योंकि उन्हीं वक्त पता चल गया था एक सेक्युलर कंट्री बन रही है और एक सिर्फ बन रही इस्लामिक कंट्री, तो आपका मतलब नहीं बनता हिंदू का वहां रहने के लिए नहीं तो। और जो दुख उनके फेसेस पे होता था ना जब उसकी बात करते थे, मैं तो भूल ही नहीं सकती। तो चलो फ्रेंड्स, अगर हेल्प करनी है, मैं बार बार हर बार जब ये वीडियोस देखती हूँ आपको बोलती हूँ, हेल्प करनी है तो अपने इंडिया में इन लोगों की करो, पाकिस्तान में कोई पैसा मत भेजो, प्लीज मत भेजो। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।